ब्रश टूल, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, तो वन बाई वन देख लेते हैं ब्रश टूल में क्या है। सर एक आप सिंगल जो है कोई लाइन से ड्राइंग करें, ये लाइन सेलेक्ट की है, सॉरी पेंसिल पेंसिल टूल यूज़ करते हैं, पेंसिल टूल सेलेक्ट की है, आप कीबोर्ड से एंड प्रेस कर लेंगे इधर से आपको मिल जाएगी। कल भी हमने यूज़ किया था उसी को कंटिन्यू, कल वाले को कंटिन्यू करें। ये इधर कुछ भी आप कर लें ऐसे, या इसके ऊपर ब्रश टूल भी अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रोक देने। अभी आए इधर आप विंडो में, तो इधर आपको मिलेगा ये नीचे ब्रश लाइब्रेरी, ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हैं, ऊपर भी होगा उधर ब्रशेस F5, ये ब्रश लाइब्रेरी में आए, ठीक है, इधर आपको मिलेगा वेक्टर पैक, ब्रश लाइब्रेरी वेक्टर पैक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेक्टर पैक से। और भी काफ़ी कुछ है, इधर एरोज हैं, आर्टिस्टिक टूल है, बॉर्डर्स हैं, ब्रिटिश ब्रश है, इसके अंदर भी आगे ब्रिटिश ब्रश लाइब्रेरी डेकोरेटिव है, ठीक है, इमेज ब्रशेस वेक्टर पैक्स 6D आर्टमेंट, इन सबको वन बाई वन जो है वो डिस्प्ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इधर से वेक्टर वेक्टर पैक से, ये ब्रांच ब्रश वेक्टर पैक है, ब्रांच ब्रश, और उसके बाद ब्रांच ब्रश, फिर हैंड ड्रॉन ब्रशेज वेक्टर पैक। ब्रांच ब्रश करें तो इधर आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें, वो इनको वन बाई वन अप्लाई कर लें इस तरह से, ठीक है, कोई सा भी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके अंदर है, इसको आप इधर अपने विंडो में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक ग्रैंड ब्रश है, ग्रैंड ब्रश अप्लाई करें। इसका स्टोव जब हम अप्लाई करते हैं तो कम ही रखते हैं, अभी वन है, वन या इससे नीचे रखें तो इसका इफेक्ट जो है वो क्लियर नज़र आता है। इसी तरह जैसे एक इधर लाइन सिंपल जो ऐसे स्ट्रेट चलते हैं ऐसे ही इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये अप्लाई कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा काम कर लें, ठीक है, ये ऐसे लाइन के ऊपर। कोई और ऑब्जेक्ट आप जो ड्रा करें कुछ से, रेक्टेंगल जो आपने ड्रा किया है या कुछ भी ड्रा किया उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना, कलर चेंज कर लें, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप देखेंगे वो जिस तरह पेंट ब्रश होता है, इस तरह की आप अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें उनके ऊपर कुछ लिखा होता है, जिस तरह 25 मिलियन व्यूज, तो इस तरह के नीचे उन्होंने यूज़ किया होता है, ठीक है, आगे इसका पेंट होता है जो कॉर्नर है ऐसे लग रहा है जैसे पेंट यूज किया हुआ, तो इधर से ये कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर आपने कुछ लिखना है बाद में वो लिख लें, ठीक है, उनको वन बाई वन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहें, जैसे हम अपने क्लास का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा शौक है इसको बड़ा करने का। और को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको साइड देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, गलत ऐसी कोई यही वाला यूज कर लें, अच्छा इसमें बोल्ड है ही नहीं, सिंपल लेते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, हैवी हैवी ठीक, इसको सेंटर में कर लें,
इसके ऊपर आप ब्रश अगर अप्लाई करें डायरेक्टली तो शायद आपको अप्लाई ना करने दें, उसके लिए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड का भी आपको आइडिया होगा, नहीं है तो डिस्कस करें, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने दें अगर वो स्ट्रोक नहीं लगा हुआ। तो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट में जाएँ या आप प्रेस कर लें कंट्रोल शिफ्ट और ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट है, या इधर ऑब्जेक्ट में जाएं तो इधर एक्सपैंड लिखा हुआ आपके पास, ठीक है, इधर से जाके कर लें आप, एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब अभी एडिटेबल नहीं रहा आपका, ये एक ऑब्जेक्ट ही बन गया शेप इस तरह, अभी ये टेक्स्ट नहीं रहा, ठीक है, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते कुछ भी। इसको कंट्रोल जी किया, ठीक है, वो भी इसको करना कंट्रोल शिफ्ट हो सकते हो, यही आएगा आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर अभी अप्लाई करना था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया, इसको कम कर दें थोड़ा सा, तो ये हो गया अप्लाई। इसका कलर आप चेंज कर दें, जो इनर कलर है, कोई और ऐसे ऐसे फॉन्ट हो गए जैसे आपने पेंट यूज किया हुआ, पेंट ब्रश यूज किया हुआ, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे कलर का भी कर सकते हैं, जो भी आप कलर एक्सक्यूज मी रखें। सर, अरे ये ब्रश यूज किए होते हैं क्या कह रहे हैं? सर? मैं पूछ रहा हूँ ये ब्रश हम यूज किस लिए करते हैं, मतलब मेन यूज क्या है? ब्रश यूज करते हैं आप इसी तरह, जो ब्रश पैक आपको कुछ देखे होंगे आपने वेबसाइट के ऊपर, या कोई डिजाइनिंग के जो आपके पास ब्रोशियर मैन्यूज बने होते हैं, इवन के यूट्यूब के ऊपर भी आपने देखा होगा, सामने सामने लगा जी होता सर, है, इसके ऊपर कुछ राइट किया होता है, ठीक है, सिंपल यही वाला टैक्स इधर उठा के रख रहे हैं इस तरह, इस तरह के सही पीछे होगा सर, सही होगा। नजर आ रही होती है, अगर आप यूज कर सकते हैं ब्रश को डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए। इस तरह टेक्स्ट जो है वो बड़े यूज होते हैं, ये वाला जैसे आपने लोगो में भी एक इसकी टाइप है, ठीक है, एक वाटर कलर है, उसके बाद इस तरह की भी है कि ब्रश फॉन्ट होना चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट ये होती है, तो आप कोई सा भी फॉन्ट नहीं उसके ऊपर डिफरेंट है आप ये ब्रश जो है ये अप्लाई कर लें, ठीक है, उस लिए भी यूज कर सकता है। इस तरह यस सर, सही होगा। किसी और शेप के ऊपर आप अप्लाई करना चाहें, और सर्कल के ऊपर ही, ठीक है, ऐसे इस तरह के ऑब्जेक्ट भी आपको नजर आए, इनमें कुछ लोगो में ये बहुत ज्यादा यूज होता है इस तरह के ऑब्जेक्ट, इधर आपने कुछ राइट किया होता है इसे, तो थोड़ी जगह ले आते हैं और रश पड़ेगा। अच्छा, लोगों में भी यूज होगा, कलर वैसा भी कर दें, अच्छा, इसी तरह दूसरे जो है उनको देखते हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं तो वन बाय वन देख लेते हैं। इनको खत्म करते हैं, जब इसी से कुछ पैसल से जा करते हैं, बस इधर से करना, सर्कल से फिर नीचे वाले जो नजर आ रहे थे लाइब्रेरी से उनको लेते हैं, ब्रश लाइब्रेरी वेक्टर पैक और ये नीचे वाले हैंड था, ये सिलेक्ट करें तो ये भी आपके इधर आ जाएंगे जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है, एंड्रॉन में कुछ इस तरह के इफेक्ट आपको नजर आएंगे, ये वाला यूज होता है।
इस तरह लाइन के ऊपर आप करना चाहेंगे सिंपल लाइन ऐसे, तो सबका यूज होगा। जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तब आपको पता क्लियर जो है इसका डिफरेंस पता चलेगा। ऐसे ही टैक्स के ऊपर आपने अप्लाई करना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही। और शेप के ऊपर आप करना चाहें अगर से इसके ऊपर करें ऐसे, जो कलर भी कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, कार्डबोर्ड की कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट हो प्रेस करें तो आपका कार्डबोर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। नया भी आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या उसी साइज की सेम कॉपी करनी है तो आप इसको ड्रैग करके भले आर्ट प्रेस करके ड्रैग करें, ये आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इनको ख़त्म कर देते हैं। नीचे वाले टूल जो हैं के दूसरे हमको देखते हैं, आर्टिस्टिक वाले जो ब्रश लाइब्रेरी वेक्टर पैक वाला हो गया, इसमें दो ही थे इमेज ब्रश है, ठीक है। उसको आप करना चाहिए, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें आप, सिंपल लाइन ही ले लेते हैं, लाइन सेवन सॉरी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इधर आपको ऊपर भी मिल जाएंगे, ये शो हो रहे हैं इसकी सारी टाइप, ठीक है। वही वाली इधर पड़ी हुई है जहाँ से आप चाहें इसकी यूज कर सकते हैं, तो ये भी आ रहा है सामने। इनके ऑप्शन आपने यूज करने हैं, यूनिफॉर्म जो कल हमने यूज किया था मतलब स्टॉक के जो ऑप्शन आ रहे थे ये भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। इनके ऊपर कुछ और करना चाहिए, कोई सी भी आप अप्लाई कर सकते इस तरह। इनके डिफरेंट डिजाइन जो है वो आगे तक से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आगे जाते हैं तो आगे वाला देखते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। इनको खत्म कर देते हैं, ये किधर ही जाने देते हैं। उधर ही आए आप विंडो में, ब्रश लाइब्रेरी और इसके ऊपर क्या है डेकोरेटिव, डेकोरेटिव में लिखा हुआ है डेकोरेटिव बैनर, डेकोरेटिव स्कैटर, टैक्स डिवाइडर और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। एक सिलेक्ट करें तो इसमें आपको ये बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, उनको आप अप्लाई करना चाहिए। लाइन को आप एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आप अपनी जो कुछ डिजाइन कर रहे हैं बिजनेस कार्ड प्लस उधर इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप इधर से आके भी क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं ये ऐसे। उधर आपने कोरल में पढ़ी थी तो उधर इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही थी, जो आपके बैनर्स थे उनके अंदर शेप्स के अंदर, तो इधर ये लिखा भी हुआ है डेकोरेटिव बैनर्स, ये सारे वही हैं। इस तरह डिफरेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी सारी जब आप ड्राइंग कर रहे होंगे, इस तरह रखा इधर कोई लाइन ले लें आप ये ले लें।
इसके ऊपर आप ठीक है इस तरह की चीज आपने बनाई है तो लोगो भी होते हैं इस तरह के, इधर टेक्स्ट लिख लें, इधर राइट कर दें, कुछ भी आप लिखना चाहें डेट करें उसकी। ओके लिखा ऊपर कुछ राइट करना वहां सर, ये बैनर्स का कलर भी चेंज हो सकता है? कलर कलर इसमें बाई डिफॉल्ट ब्लू है ठीक है, तो वो नहीं होंगे चेंज, बाई डिफॉल्ट कलर ब्लू है, स्टाइल चेंज हो जाएगा। इधर से करके अगर देखते हैं तो शायद शेड्स इसके चेंज हो रहे हैं, कलर नहीं चेंज हो रहे, कलर नहीं चेंज हो रहा, कलर वही है जो बाय डिफॉल्ट भी है। इस तरह जो आप टाइप करना चाह रहे हैं टैक्स, तो टैक्स को राउंड कैसे करना है ये हमने पढ़ लिया नहीं? नो सर, अभी नहीं किया। अच्छा नहीं किया, चलें ये भी साथ ही हो जाएगा। आप टैक्स लें बाद में भी देख लेंगे, लेकिन इधर भी देख, यहाँ एक सर्कल ही है इसमें टैक्स लिखना है, तो टैक्स ऑन पार्ट किसी भी पार्ट के ऊपर वो कैसे करना है, सिंपल टैक्स लेना सिलेक्ट करना इधर से, कैसे करते हैं नदी भूल गया, टाइप ऑन पाथ ये लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लें, इधर आपका आ जाएगा, इसको डेकोरेटिव लिख देते हैं, डेकोरेटिव टेक्स्ट, इसका साइज आपने बड़ा करना है जितना भी आप करना चाहें, बाद में इसको सिंपली रोटेट कर लें जहाँ भी करना है, और चेंज कर लेते हैं, ये काफ़ी हैवी है। इसको इधर ले आए जहाँ पे भी आप बाहर लेके आना चाह रहे हैं तो बाहर रख लें, अंदर वाली साइड पे करना है तो अंदर वाली पे कर लें, ठीक है उसको बाहर ही चलें, अगर लेके जाते हैं बोले इधर ही चलिए, इसको आप रिपीट करके ऐसे सेंटर कर लें दोनों साइडों के ऊपर, जैसे ये अभी मिड में आ गया, अच्छा वो कलर लाइन का हमने रेड अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वही आई ड्रॉपर से दिया है, तो वही कलर जो है हो गया ठीक है, वही फिल हो गया। इधर वाले करने हैं आपने सर्कल के ऊपर से इसको पिक करेंगे, ये ब्राउन ऊपर की आपको नजर आ रहा है ब्राउनिश, इसलिए वही फील हो गया ठीक है। जो इसी तरह इधर कुछ लिखना चाहें टाइप स्ट्रेट, किसी को कॉपी करनी फील करने के लिए सिर्फ, बैलेंस ये सेंटर में कर दो, जो भी लिखना चाहें वो आप इधर राइट कर सकते, इधर से ऐसे कुछ लिखना है वो लिखिए, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, ऊपर वाला क्लियर नहीं है उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं,
भी फिल कर देते हैं, सही अग्रीन कर देते हैं भाई। ऐसा कर देंगे लोग, वो भी अगर आप इनसे कंप्लीट कराना चाहें तो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह और कुछ आपने अप्लाई करना है इसी आर्टबोर्ड की कॉपी करना, आर्टबोर्ड कॉपी वो भी कॉपी इधर हुआ और इसके फिल होगी इधर से, इसलिए इधर कॉपी हुआ, इसको नीचे करना चाहेंगे नीचे लेंगे इसको। ड्रॉइंग करना अच्छा, इसी तरह दूसरे बैठे हैं वो वन बाई वन आप देख सकते हैं, एक लाइन ही ड्रा करने से पेंसिल से स्ट्रेट लाइन। तो बैनर वाला था मैंने इसमें काफी कुछ है, काफी बैनर है, और वन बाई वन जो ट्राई कर सकते हैं। अरे ये वाला स्ट्रोक ज्यादा करेंगे तो ये डिफरेंट शेप्स बन जाएंगे। कोरल में गया था आपको अलग अलग चीजें पढ़नी होती सारी, ठीक है, तो इधर एक चीज से काफी आगे जो है बन जाएगा काफी कुछ। इधर से चेंज कर रहा हूँ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ठीक है, इनको आप जीरो यूज करना चाहिए पर अभी आप कर सकते हैं। कर करेंगे इधर तो कोई और ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए बोल रह सकते हैं, ठीक है, और भी है काफी कुछ, वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करके देख लें। इनका स्ट्रोक से भी इधर से ये सारे वन बाई वन ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको चीज चाहिए हो। और इधर से डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक पहले इफेक्ट अप्लाई करके उसके बाद इसका स्ट्रोक चेंज करके देख लें, स्ट्रोक के आगे जो यूनिफॉर्म के ऑप्शन है उनको चेंज करके देख लें, इधर से भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, यही बैनर जो लाइन के ऊपर ले गया आपको, बड़ा करें तो ये ऐसे बैनर बन जाएगा। इस तरह से डिजाइनिंग में आपको ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको ये बनना ही होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई नेम वगैरह आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है, आपने इसको पाथ देना है, पाथ के लिए आप इधर ही एक अपने पेंसिल से ही इस तरह पाथ या डिफाइन कर लें ऐसे, बोलिए पेन टूल से कर लें, पेन करते हैं इससे सही है जानवर। अच्छा
अभी इसके ऊपर आप कुछ राइट करना चाहें वो कर सकते हैं। पाथ बन गया हुआ, अभी इधर आए, टाइप ऑन पाथ, जो पर एक बार क्लिक कर दें, ये बन जाएगा। और बाइक चला आ गया, उसका कोई रोला नहीं। इधर आए, ये लाइन्स आपको नजर आ रहे हैं। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, ये लाइन जो आ रही है नजर, इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले आए और अपने टेक्स्ट को पूरा कर दें। इधर को आपका बैनर है, वैसे ही आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, और बाकी इसमें क्या ब्रश लाइब्रेरीज, बॉर्डर, बॉर्डर में इसमें काफ़ी किस्म के, उनको आप चेक करें, ये काफ़ी आपको ऑप्शन मिलेंगे इधर, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं दोबारा, रिकॉर्डिंग भी रोक लेते हैं। अच्छा, ये ब्रश टूल के आगे ऑप्शन देखें तो ये लिखा हुआ GD पेन ब्रश, ठीक है। इनको अगर यूज़ करना चाहें, ये ऐसे था, अभी इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके ऑप्शंस आ गए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। इसको थोड़ा सा निकलें तो इनमें से आप कुछ यूज़ करना चाहें आप ऐसे, ठीक है। अभी इसको ख़त्म करते हैं, कोई चीज़ इधर अगर करें ड्रा, ठीक है। तो ये भी मतलब सिंपल ही है, ये ब्रश की तरह ही इधर भी आ रहे हैं ऊपर, ठीक है। इसके भी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप इनको वन बाय वन देख लेते हैं। यही वाले ऐसे, कोई जो इधर एक और ऑप्शन थी इसकी, अच्छा वो नहीं काम कर रही। इसी तरह आगे जाते हैं, इसी के नीचे जो ऑप्शन है इनको आप ट्राई कर लें, GD आर्ट पेन ब्रश को, ठीक है। इसका एडवांस यूज भी है थोड़ा सा, एक मिनट, लाइन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये सारे इनके उसी तरह इफेक्ट हैं जिस तरह वो दूसरे ब्रश कर रहे थे। अगर इसको जूम करके देखें तो किस तरह से ये आपको इसमें शेड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको करें, ये नीचे इसका स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। इसको करें, ये कटिंग वाला, ये ऐसे कोई सा भी आप कर सकते हैं, सिंपल से हैं, इनका कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह आगे जाएं विंडो में, सिस्टम स्लो होना शुरू हो गया। अच्छा, ये ब्रिटिश भी है, इनमें भी कुछ हैं, बॉर्डर हैं आगे, बॉर्डर वाला लेते हैं तो उसमें उधर गया बॉर्डर, बॉर्डर ये हम पहले भी करने लगे थे। इधर कोई यही वाली शेप लेते हैं, ठीक है। इसका कलर ये इसके इफेक्ट हैं डिफरेंट, बोल्ड वाला करके देख लेते हैं। ये इसको थोड़ा सा जूम करें अगर तो कुछ इस तरह के इफेक्ट हैं इसके, ये वो जिस तरह उधर पैटर्न थे उनसे मिलती जुलती ये चीज़ है, ये इस तरह, ठीक है। इसको साइड पे करें, इधर एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इधर। ये बाहर तो आपका एक ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके अंदर उतरे ये जो खाने है ना, ये ऐड करते हैं, ठीक
ये वन बाई वन आप ट्राई कर सकते हैं सारे ये वाला कर अप्लाई ये सारे ये बॉर्डर के लिए है बेसिकली ऊपर लिखा भी हुआ है बॉर्डर डैश ठीक है मतलब आपका जो किसी भी का शेप का बॉर्डर है उन पे आपने कोई इफेक्ट चेंज करना है तो ये उसके लिए है ठीक है अगर आगे चलें इसको डल कर दें इसको ऊपर विंडो उधर ही ब्रश लाइब्रेरी बॉर्डर्स आर्टिस्टिक ये आप सबका फेवरेट आर्टिस्टिक को करें चेक ठीक है आर्टिस्टिक ही आ गए हैं सारे आर्टिस्टिक एरोज आर्टिस्टिक कैलीग्राफी आर्टिस्टिक चाक चारकोल पेंसिल ठीक है बॉर्डर डैश ये हो गया अच्छा इसको अप्लाई करें आर्टिस्टिक को यही एक आप लाइन लगा लें सिंपल सी ठीक है इनका आप खुद भी जो है ना ट्राई कर सकते हैं कि इस तरह के इफेक्ट आएंगे सबके चारकोल का करेंगे इनका बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा करके दिया ठीक है ये इस तरह की चीज़ ठीक है ये सारे जितने भी ब्रश इफेक्ट हैं उसके लिए ये यूज़ होंगे ठीक है जिस तरह आर्टिस्टिक कैलीग्राफी है उसके इधर दिए हुए हैं कोई इतना ज़्यादा नहीं है इसका ये एरोज का ये वाला ये शायद पहले भी आपने देख लिया ये ऐसे ठीक है सबको वन बाई वन चेक कर लें जो भी चीज़ ये वाला ठीक है ये लेना है इस तरह की कोई चीज़ आप करना चाहें ये सारे इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं है मतलब एक साथ तो यूज़ नहीं होंगे आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है ये वाला अगर इसको बोल्ड करें तो दोनों के ऊपर इस तरह से हो गए ठीक है इनकी स्टाइलिंग इधर भी पड़ी हुई है इधर यूनिफॉर्म में आ जाएँ तो इसकी कुछ स्टाइल चेंज करना हो आपने ठीक है ऐसे लेकिन इसको फर्स्ट वाले रखते हैं सिंपल ठीक है आगे चलें तो ये काफ़ी वो 3D शेप पे वो भी दिए हुए हैं ये ऐसे एरोज ठीक है एरो स्पेशल लिखा भी हुआ ऊपर आपने एरोज यूज़ करने हैं डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट डिज़ाइन तो वो आप इधर से ट्राई कर सकते हैं इसी तरह ये भी हैं ये भी हैं इसको रहने में ये काफ़ी ज़्यादा ये वाला यूज़ करना ये 3D लुक जिस तरह होती है इसको बड़ा छोटा करना है तो जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा छोटा करना पड़ेगा ऐसे ठीक है इसी तरह आगे दिए हुए हैं ये वाले स्टाइल ये अब ये ठीक है यही रहने देते हैं ये अच्छा लग रहा है तो आगे अगर देखें इसके अलावा क्या चीज़ है इसी की कॉपी कर लेते हैं एक ठीक है विंडो ब्रश लाइब्रेरी ठीक है आर्टिस्टिक वाले में ये चीज़ें आप देख सकते हैं पेंट ब्रश है ये आपने देख लिया ये इसके बाद एरोज एरोज का भी आपने देख लिया एरो स्पेशल ये सारे हो गए हैं ठीक है अच्छा इसके अलावा आप अगर इधर नहीं जाना चाह रहे तो इधर आ जाएं ब्रश होगा आपके पास ये ब्रशेस इसको क्लिक करें तो तब भी शो हो जाती हैं सारी चीज़ें आपके पास इसको इधर कहते हैं साइड पे ये इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें इसमें भी शो हो जाती हैं ऐसे सारी चीज़ें इसके बाकी ऑप्शन वो कैसे निकालें ये कलर्स का ही है कलर्स का चीज बाकी चीज़ें आपने निकाली हैं तो ये इधर आए न्यू ब्रशेस डुप्लीकेट डिलीट रिमूव ये सारे इधर भी कैलीग्राफिक शो स्कैटर ब्रश शो आर्ट ब्रश ये सारे अभी जो हमने देखे हैं वन बाई वन ये सारे इधर से भी आप कर सकते हैं ठीक है इस तरह ये ब्रश की
है कुछ, अगर आपने सेटिंग वेटिंग चेंज करनी है तो इधर एडवांस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको कम ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये था ब्रश का और कैलीग्राफी का। इसमें ज़्यादा नहीं हमने किया इसलिए कि फिर से सिस्टम जो है कोई प्रॉब्लम ना करे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आर्टिस्टिक कैलीग्राफी थी, ठीक है, इसको हमने इतना अप्लाई नहीं किया, किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके दे इसको, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता तो इसको चेंज कर लें। ठीक है, अभी इसको बोल्ड करें थोड़ा सा तो वो कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको नज़र आएगा। ये थोड़ा कम कर लें ऐसे स्टाइल, अभी इसको चेंज करना, ये करना, ठीक है, ऐसे तो जरा आउटलाइन थी, ये कम ये ज़्यादा, इसका जो जितना बड़ा सर्कल है पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कितने पॉइंट राउंड करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये सबसे कम, ये उससे कम ज़्यादा, ये देखने के हर साइड के ऊपर इसके डिफरेंट इफेक्ट हैं। अगर यही एस की बात करें तो कुछ इस तरह से इसकी शेप बन गई, कैलीग्राफी का इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह कोई और करना चाहें ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। एक और चीज़ थी वो मुझे अभी मिल नहीं रही इधर से, बॉर्डर जो कौन सी थी वो, आर्टिस्टिक पेंट ब्रश नहीं, आर्टिस्टिक वाटर कलर, हाँ ये वाली वाटर कलर की है। इसमें लोगोज में ये चीज़ यूज़ होगी वाटर कलर करने के लिए, किस तरह से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर कोई सर्कल लें, वो ज़्यादा यूज़ होती है सर्कल्स में यहाँ से, ठीक है। कलर मिक्सिंग होते हैं वाटर कलर, मतलब जिस तरह वाटर कलर होते हैं बिल्कुल लाइट लाइटर, उधर ये यूज़ होती है चीज़। इसका कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं ब्लू, इसको थोड़ा सा लाइट, इधर वाटर कलर अप्लाई करें, ये वाइट देखें इसका, ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ऐसे लोगोज में इसकी टाइप है स्पेशल वाटर कलर लोगो, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये यूज़ भी आपको काफ़ी करने पड़ेंगे वाटर कलर। और इस तरह आपने देखा होगा कलर जो डिफरेंट शेड्स बन रही हैं, अभी एक ही मारा कलर था, अगर अंदर वाले ख़त्म करें, ठीक है, एक ही मारा कलर था, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर, एक ही कलर था लेकिन उसमें डिफरेंट शेड्स बन रही हैं, इसको थोड़ा सा डार्क करके देख लेते हैं। ये वाटर कलर्स हैं, ये लोगो की स्पेशल टाइप है, आप इसकी एक गिग भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं, बाकी चीज़ें शायद आपको इतनी ना यूज़ करनी पड़े, वाटर कलर का काफ़ी यूज होगा। इधर से सब कुछ रिमूव कर दें, ठीक है, इधर एक सर्कल ले लें सिंपल ऐसे, इसी के ऊपर वाटर कलर वन बाई वन अप्लाई करें, बॉर्डर भी ज़्यादा कर लेते हैं ऐसे। देखी हुई है इस तरह की चीज़ है आपने लोगोज में, इस तरह पीछे बैकग्राउंड लगी होती है और ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, ठीक है, ये ऐसे इसको छोटा कर लें, ठीक है, इस तरह से, ये चीज़ है, इनको मिक्स करना है आपने। एक और ले लें बॉर्डर, कंट्रोल सी और एफ, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लें, डार्क कर लें, तो ये आप देखेंगे इसका, इसके ऊपर कोई और चीज़ अप्लाई कर लें, ये ऐसे नहीं, नीचे वाली ठीक थी, इसको कोई और कलर मिक्स करना है, सी और एफ कर लें, इसको थोड़ा सा इधर रिवर्स भी कर दें ताकि कलर मिक्स हो जाए, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लें, कोई और डार्क शेड करनी है तो इसके ऊपर अभी अप्लाई करें कोई मिक्सिंग कलर, ठीक है, ऐसे ठीक हो गए। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही डार्क है, ये इस तरह ये वाटर कलर बन जाते हैं। जो भी आपका कस्टमर कहे कि मुझे वाटर कलर लोगो चाहिए, आप इसकी सर्च करेंगे गूगल के ऊपर वाटर कलर लोगो, तो आप देखेंगे इस तरह के आपको डिफरेंट शेड जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है इसके बाद, इसको भी थोड़ा सा एक तो छोटा कर लें गैप जो है, ताकि ये भी फिल हो जाए ऐसे। जो भी इस तरह के जो फेमिनाइन लेडीज़ बनवाती हैं लोगों, उसमें ये ज़्यादा यूज़
इस तरह है, ठीक है, जिस तरह ब्यूटिशियन के लोगोज और इस तरह की चीज़ें, वाटर कलर वो ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, इसके ऊपर लिख भी लें आप, ऐसे टैक्स लिखा होता है वाटर कलर, ठीक है। वाटर कलर ठीक है, ऐसे इसको रख लें इधर, और इसका भी थोड़ा सा लाइट कलर कर लें ऐसे, ये वाला ठीक है। इस तरह के एक लोगो की पूरी टाइप है, वो आपने जो सब यूज़ करना है वो कर सकते हैं। ये सर्कल के लिए था, इसी तरह जो आपकी कोई और शेप होती है उसके लिए यूज़ करना चाहें ठीक है, जैसे इसको राउंड कर लें, इसके ऊपर वही करें ठीक है, जो इनर कलर है वो बेशक खत्म कर लें, इसको कोई आप कोई सा भी कलर दे दें, यही है जो लेडीज पिंक वो कलर दे लेते हैं इधर से, ये सॉरी इसको तो खत्म करना था, अंदर वाला कलर दे रहे हैं, इसका चेंज करना है पिंक कलर का, इसका थोड़ा सा बोल्ड करें तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी ठीक है, इसको चेंज कर लें। इधर कलर मिक्सिंग करनी है आपने कोई सी भी, तो वो आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी जो है ना वाटर कलर मिक्सिंग वो आपको नज़र आएगी, वो आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर कोई और मिक्स करना हो इसी की कॉपी लें, कंट्रोल सी एफ ठीक है, इसको रिवर्स कर दें इसी को, तो दूसरी साइड भी फिल हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और ये इसको कॉपी कर लें इधर ठीक है, ये फिल होगी, इसको साइज जो है वो पता कर लें ऐसे। इधर कोई और कलर करना चाहें आप ठीक है, डार्क थोड़ी सी शेड देनी है तो वो कुछ ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं, इसको छोटा करके फिल भी कर सकते हैं ठीक है। टू कलर आपको नज़र आएंगे वो वाटर कलर, जिस तरह ये हमने बनाया इसी तरह इसको भी आप फिल कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखना हो उसके ऊपर वो लिख सकते हैं। ये बेसिकली वाटर कलर यूज़ होता है, डिफरेंट कलर शेड्स बिल्कुल लाइट कलर के वो मिक्स हुए होते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कलर्स एक कलर के अंदर डिफरेंट शेड्स बन रही होती हैं, लाइट से गिरी डार्कर से गिरी लाइट की तरफ, लाइटर की तरफ ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यही था आर्टिस्टिक में, बाकी कुछ इसमें और ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एक तो चीज़ अगर और इसमें एरोज का हो गया, बॉर्डर का हो गया ठीक है, 6D का एक रह गया, ये देख लेते हैं ठीक है, ये 6D का तो पहले ही हो चुका है ठीक है, किधर गया 6D, अच्छा ये 6D का, इसको देख लेते हैं ये क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, इसी को एक और कॉपी कर लें आर्ट बोर्ड को, इसको ख़त्म करें ठीक है, और यही इनमें से कोई आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इधर लें उठा के इसको बड़ा करें तो ये कुछ इस तरह का है ठीक है। ये कैसे यूज़ होना है, इसके ऊपर कोई सा भी रखें, ये वाला कलर यही बैकग्राउंड वाला ले लेते हैं आर्ट बोर्ड का ठीक है, बैक पे करते हैं और इधर जो है कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट टूटे फूटे आपको यूज करने की जरूरत पड़ जाए, ये ऐसे कॉर्नर पे या बॉर्डर के साइड पे लगे होते हैं ठीक है, इनको राउंड करें ऐसे, ये लें, इनको अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं, इधर से अगर देखें अन ग्रुप भी हो जाएंगे ये, इसको खत्म कर दें, फिर यही चीज़ है, इसको आप अनग्रुप करना चाहें, इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करना चाहें ऐसे कुछ,
अनग्रुप करना है, साइड पे जाएं अनग्रुप, ये आपके ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग हो जाएंगे। इसमें से कुछ यूज करना चाहें अपनी ड्राइंग में वो आप सकते हैं। ठीक है, एच डी के अंदर ही इधर गया। अच्छा ये हो गया, इसका बड़ा करें, पूरा पेज आपने फिल करना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करवा दें ऐसे। ठीक है, इसकी पैटी काम करें कुछ इस तरह से, ऊपर एक लगा लेते हैं ये बॉर्डर। कुछ ऐसी अब बैकग्राउंड बनानी हो कुछ ऐसी, उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरह की इनको और आप चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी एक कॉपी कर लें इधर साइड के ऊपर, छोटी भी कर लें इसको इसी तरह। ये जगह फिल करनी है, ये होता है यूज इस तरह की चीजें। बैकग्राउंड अगर कोई आप बना रहे हैं पैटर्न बैकग्राउंड, तो उसके लिए ये यूज होगा ये इतना सा। ठीक है, इस तरह की चीजें जो आप इधर यूज करने, ऊपर कोई टेक्स्ट आप राइट करना चाहें तो वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग करना चाहें वो आपने देख लिए तो। और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो ज्यादा ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होगी वो होगा डेकोरेटिव बैनर्स। ठीक है, एरोज बैनर एरोज, और ये इधर भी डेकोरेटिव बैनर है, बैनर एरोज और ये वाटर कलर। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी। और ये सबसे पहले जो किया था बॉर्डर को ब्रश में चेंज किया था, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी और आप लोगों को कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वन बाई वन है, आप ट्राई कर सकते हैं इसकी। कभी किसी का कोई इशू हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। टूर इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, टाइप टूल लिखने वाला टूल, वही टैक्स टूल एक ही चीज़ है। अच्छा, टाइप टूल है, इसको देख लेते हैं। वन पहले तो आपने सिंपल लिखना है, इसके ऊपर टी प्रेस कर लें अपने कीबोर्ड से, या इधर आके आपको मिल जाएगा टी बना हुआ। ठीक है, और कोरल में ए बना हुआ था, ए था शायद, हाँ ए ही था, तो इधर आपके पास बना हुआ है टी, इसको प्रेस कर लें। सिंपल टाइप टूल आ जाएगा आपका, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ही आ जाएगा आपके पास बॉक्स। इसको आप पहले तो एक्सपेंड कर लें, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो हमारी विंडो है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसका साइज छोटा आता है। अब इसको ड्रैग करके इसका साइज इंक्रीज कर लें, या आपको ऊपर भी साइज नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले क्या है, करेक्टर, करेक्टर के अंदर इसकी सब कैटेगरीज देखें तो फॉन्ट नेम आ रहा है यहाँ पे, आगे इसको रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, वो यहाँ पे शो होंगी, आगे इसका साइज दिया हुआ है। ठीक है, इसको करेंगे इस तरह साइज, यहाँ से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, या अपने जो माउस है उससे ये बॉक्स पकड़ें, शिफ्ट प्रेस करें और इसको इस तरह ड्रैग कर दें, शिफ्ट से आप ड्रैग कर दें। सेंटर करना है वो आपको पता ही है, इसको सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, आपने टाइप करना है तो वो कैसे करना है, दोबारा से आपने सेलेक्ट करना है टूल, और या जो जब आप कर्सर आ जाए तो एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ अपनी बैक स्पेस से। इधर कुछ लिखना है आपने, क्रिएटिव डिजाइनिंग, तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसका फाउंट आपने चेंज करना है वो कैसे करना है। इसको थोड़ा सा इधर कर लें साइड, ताकि सारी इसकी टाइप आ जाए नीचे। अच्छा, ये सारे फाउंट मिक्स आ रहे हैं, सारे जो भी आप चेंज करना चाहें। एक बार माउस ले आए किसी के ऊपर, अपने बैक जो डाउन एरो है उस कीबोर्ड के ऊपर, उससे आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे फाउंट इधर आपको मिक्स नजर आएंगे। ठीक है, या जो सा भी आप रखना चाहें ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं इधर से, या आप फिल्टर लगाना चाहें। ये देखें, सेंस सेरिफ करनी है आपने, मींस के सेंस सेरिफ है, आगे सेरिफ है, सेरिफ
सारी बिल्कुल स्ट्रेट फाउंड जो है इनके इस तरह कॉर्नर्स नहीं निकले होते, सारी जो है वो कॉर्नर्स वाले आगे स्लैब सैरिफ, उसके बाद ये कर्सिव फॉन्ट स्क्रिप्टेड जो होते हैं, ठीक है, इसके बाद ब्लैक लेटर ये भी स्क्रिप्टेड हैं, ये भी स्ट्रेट हैं और टाइप जी नहीं। इधर से भी आपको सिलेक्ट कर लें, फिल्टर हो जाएंगे, सिर्फ जो सेंस सैरिफ हैं वही शो होंगे, जो स्ट्रेट सीधे फॉन्ट हैं जो बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, ठीक है, वो शो होंगे आपको। यहाँ से आप कोई सा भी करना चाहें, ये अभी अगर हम कर लें तो कुछ इस तरह से, काफ़ी बोल्ड है ये, इनका कलर चेंज करना हो आपने वो कैसे करना है, वैसे ही ये बिल्कुल ऊपर कलर नज़र आ रहे हैं, आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है, इधर आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट, ये भी ऊपर भी कलर शो हो रहे हैं और इधर भी जो कलर है फिल कलर और नीचे इसके जो स्ट्रोक का कलर है मतलब आउटलाइन का कलर है वो भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो सैचुरेशन हैं वो ओपन हो जाती हैं, इनसे कोई भी कलर आपने मिक्स करना है, ठीक, वो आप कर लें ऐसे, या अपना कोई आपके पास कलर कोड्स हैं, आपको कोई कलर अच्छा लग रहा है जिसका कोई आपको नहीं पता है, लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है, लाइट पिंक है, कोई सा भी उसका कलर कोड लिखें गूगल के ऊपर, कलर कोड आ जाए उधर से कॉपी कर लें के ऊपर लिखते हैं, या अगर बाई से कोई आप कलर कॉपी करना चाह रहे हैं वो आई ड्रॉपर से कर सकते हैं, आई ड्रॉपर जो है इसका बाई काम नहीं करता डेस्कटॉप के ऊपर, तो उसका वे क्या होता है, जिस तरह मैं कोई बाई से कलर पैलेट लेके आता हूँ, ये स्क्रीन अगर आपके पास शो ही है, इसको डिलीट करता हूँ, कलर्स जो है मैं आपको बताता हूँ, कलर्स की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए जो ग्रेडियंट कलर्स, लेकिन अभी हम क्या करते हैं बाहर से कोई मैं कलर लेके आ रहा हूँ, कलर पैलेट ले आते हैं कोई, ठीक है, ये वाला ले आते हैं, कॉपी बाहर से कोई कलर हमने उठाना है तो इधर आके पेस्ट कर दें, ये वाला कलर सिंपल वे, जो सिंपल सबसे सिंपल वे है वो यही हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर आपने कलर करना है, ये वाले पिक करने हैं, कोई आई ड्रॉपर लें अपना, आई प्रेस कर लें या इधर आके सेलेक्ट भी कर लें, आई ड्रॉपर से कोई सा भी कलर जो आप सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, वो आप फिल कर दें जो सा भी आपको अच्छा लग रहा है। इस तरह आप इन आप चाह रहे हैं क्रिएटिव कलर अलग हो, डिज़ाइनिंग का अलग हो, इनको कैसे करना है, फिर अपना टाइप टू सेलेक्ट करेंगे, इधर जाके जितना एरिया को आपने कलर चेंज करना है वो सेलेक्ट कर लें और नीचे आ जाएँ तो उसका एक बार क्लिक कर दें, आपका ऐसे कलर चेंज हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डार्क है सही नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसी शेड ये कर देते हैं ऐसे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट है आपका इसका फॉन्ट भी चेंज हो, क्रिएटिव अलग लिखा हो, फॉन्ट जो है वो किसी जो डिज़ाइनिंग है किसी और फॉन्ट में हो, इधर से आगे आप कोई और पिक कर लें, इस तरह से हो जाएगा क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ठीक है। कलर फिल करना भी आ गया आपको, इसको ग्रेडियंट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है, ग्रेडियंट कलर बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको इधर से कर देते हैं, जो कलर अभी हमने ये बाइट से कॉपी किया, ठीक है, इसका भी क्रिएटिव का भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, ठीक है, दोनों सेम हो गए, इसका भी कर देते हैं, इनसे ले लेते हैं कोई ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इनमें ये हो गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है, ये इधर वाला डल करता हूँ, सिर्फ क्रिएटिव हमारे पास लिखा है, एक तो पहले तो उसका कलर चेंज करते हैं, यही कर लेते हैं, हमें जल्दी से यही नज़र आता है इसलिए हर बार यही कर देते हैं, कोई लेडीज कलर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, फाउंड ये इसका रखा। अभी आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो वर्ड लिखे हों इनमें डिस्टेंस ज़्यादा हो, वो आपने कैसे करना है, ऑल्ट प्रेस करना है बोर्ड से और आपके जो एरोज हैं लेफ्ट राइट उनको प्रेस करना है ऐसे एक एक बार, तो इनमें स्पेस आ जाएगी आपके वर्ड में, ठीक है, जितना भी पहले लाइन कर लें एक बार, ठीक है, इनमें गैप जो है आपने ज़्यादा करना है ऐसे, ठीक है, इनको कम करना है तो ये बैक एरो लेफ्ट एरो ऑल्ट और लेफ्ट एरो, ठीक है, इनमें ये चेंज हो जाएगी इस तरह से ऐसे,
कलर चेंज करने के और भी काफ़ी सारे वेज हैं। प्रॉपर्टी में जाएं, इधर भी शो हो रहा है, यही वाला फील्ड कलर है, वही अपेयरेंस ओपन होगी, यही जो ऊपर शो हो रही हैं ये वही चीज़ है। ठीक है, इधर कलर मिक्सिंग है, इनमें से आप कलर जो सेचुरेशन आपके पास आती है कलर मिक्सिंग वो आप कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखें इसकी ये होता है बेसिकली यूज़ शेड्स आपने चेंज करनी है अपने मतलब एक साइड से स्टार्ट हो रहे हैं लाइट से, आपने ग्रीन जाना, ग्रीन से लाइट जाना, एक ही कलर में रहते हुए डिफरेंट शेड्स आपने करनी है। ये देखें अभी इधर आएंगे तो ये ब्लू है, ऊपर भी नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, ये इधर आपको इफेक्ट इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये चेंज भी हो रहा है। ठीक है, आप नीचे अपना कोड भी लिख सकते हैं कोई सा भी। ठीक हो गया, यहाँ से आए इसको ज़्यादा चेंज करेंगे मिक्सिंग में। ठीक है, शेड्स वही रहेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर कोई और पिक करनी है आपने मिक्सिंग, एक बार इसके ऊपर क्लिक कर लें, ये अभी इधर आ जाए सारे फीलिंग, इसको चेंज करते हैं, रेड में जाना है आपने, एक बार क्लिक कर लें। ठीक है, तो अभी इसके सारे शेड्स आ जाएंगे, इधर से आप इसको चेंज कर लें, थोड़ा थोड़ा लाइटर में जाना है तो ऐसे आ जाएं, ये चेंज थोड़ा आगे देखें कि येलो स्टार्ट हो रहा है वो शेड्स आपने करनी है, ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगी, ये वाली इसी तरह इधर से आना है। ये सारे RGB कलर्स हैं। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू जो भी कम्बिनेशन होता है वो इधर आपको शो भी हो रहा है। सही है, ये बिल्कुल लाइट हल्का हल्का चेंज भी हो रहा है, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। और फॉन्ट ले लेते हैं ये वाला, इसको सेंटर में करते हैं, वही कलर्स में जाते हैं। ठीक है, कोई और शेड करें आप, ये काफ़ी आपके चीज़ काम आएगी। ठीक है, कलर मिक्सिंग डिफरेंट, ये कोई सा भी कलर कम्बिनेशन बना सकते हैं। ये वाला जो स्वेचीज हैं ये ओपन करेंगे तो यही वाले कलर आएंगे, ऊपर वाले साथ जाएंगे तो मिक्सिंग वाले सारे आ जाएंगे जो आपने मिक्स करना चाहा। ठीक है, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बॉक्स के ऊपर तो इधर भी शो हो जाएगा आपको। ठीक है, ये ठीक ब्लू की तरफ जा रहे हैं तो ब्लू होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह ये कलर्स हैं, आप इनको मिक्स कर सकते हैं। ये सब टैटू टेक्स्ट के लिए भी, शेप्स के लिए भी, जहाँ पे भी आपने कलर यूज़ करना है ये सब में मेथड सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट का थोड़ा डिफरेंट है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट का हम कर रहे थे बेसिकली, कलर्स की तरफ आ गए, फ़ॉन्ट का कर रहे थे। ये है फ़ॉन्ट मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके हैं एलिस्ट्रेटर में, विंडो के अपनी लिस्ट करके। अगर आपने कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, इसमें चले जाते हैं फाइंड मोर, इधर ऑप्शन आ रही है आपके पास फिल्टरिंग सेट। अडोब फ़ॉन्ट, अडोब के फ़ॉन्ट्स हैं वो मोस्टली जो पेड हैं। ठीक है, फ्री भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी हमारा काम जो है इससे भी चल जाएगा, जो दिया हुआ है हमें फ्री में दिए हुए हैं अभी बाई डिफ़ॉल्ट है इनसे भी। अगर बाई से आपने कोई ले के आना, इसके ऊपर क्लिक करें, ये इधर आपको ले भी जाता है फ़ॉन्ट उधर वेबसाइट के ऊपर वो की तरह। ठीक है, अच्छा अभी 2020 में शायद नहीं आ रहा, उसका कोई इशू नहीं आ रहा था। आपको इधर ऑप्शन मिलेगी फाइंड मोर, नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, एबल टू प्रोसेस दी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये अभी इस लिंक शायद आपके पास एक्टिव हो, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो आपको डो फोन पे ले जाता है। आप ऐसे भी जाके बाय भी क्लिक कर सकते हैं गूगल पे, दूसरी स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, सारी स्क्रीन। अच्छा, अगर बाहर जाएं गूगल पे तो इधर लिखें आप अडोब फॉन्ट। ठीक है, पूरी इसकी अडोब फॉन्ट्स, ठीक है, सर्च करें फर्स्ट वाली फॉन्ट्स डॉट अडोब डॉट कॉम। इधर आपको जो भी आप फॉन्ट सर्च करना चाहें, फाइंड करना चाहें, स्क्रीन शेयर है दूसरी आपके पास? यस सर। ठीक है, इधर कोई सा भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करें, जैसे यही लिख लेते हैं, सारी फॉन्ट्स आपने करने हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फॉन्ट्स आ गए आपके पास, आगे फॉन्ट तो आएगा ही, आगे पूरी इसकी फैमिली आ जाएगी इस फॉन्ट की, इसको आप क्लिक करें। ठीक है, व्यू फैमिली पे जाएं,
कि पहले आपको साइन इन करना पड़ता है, अगर आपका अकाउंट है डॉग के ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं है तो साइन अप आप कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आपको फ़ॉन्ट आ गए अभी। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, नेम इसका अगर आप देखें सरीफा थिन, ठीक है, इसको अगर क्लिक करें एक्टिव, एक बार एक्टिव किया तो उधर जाके अभी आप देखें शायद रिस्टार्ट करना पड़े, यही वाला फ़ॉन्ट का आप नेम ये अभी साइन इन का मांग रहे हैं। अगर आपका साइन इन है, मेरा है लेकिन मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि डॉग के ऊपर मेरा दूसरा लॉग इन है तो शायद वो इशू करे, लेकिन कर लेते हैं देख के एक बार। अच्छा तो बाद में कर लेंगे, आपको मेथड जो है वो बता देते हैं। ये फ़ॉन्ट जो भी है आपने एक्टिव करना है, एक्टिव फ़ॉन्ट तो आगे आपको साइन इन करने का कह रहा है, एक्टिव करेंगे तो उधर ये वाला फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा आपके लिस्टेटर में, ठीक है। ये नीचे वाला करेंगे सरीफा लाइट लिखा हुआ है, ठीक है, इधर एक्टिव करेंगे एक्टिव हो जाएगा आगे अगर आपका लॉगिन है तो, ठीक है, दोनों साइड पे। अभी नहीं है लॉगिन, चलें इसको जब लॉगिन होगा तो फिर भी देख लेंगे। जब जो भी फ़ॉन्ट आप इधर सर्च करें जो फ्री वाला है वो ऐसे होगा, जो पेड है तो वो पहले आपको परचेज करना पड़ेगा फिर एक्टिव होगा, ठीक है। इधर से आप ये बटन प्रेस करेंगे उधर आ जाएगा, ऐसे देख लेते हैं, अगर ऐसे नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा, आपका लॉगिन नहीं है सरीफा, एक मिनट देख लेते हैं शायद आ ना गया सरीफा, ठीक है नहीं आया। अगर आपका लॉगिन है तो वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली आपका इधर आ रहा है, क्लियर नहीं आएगा, पहले आप लॉगिन होंगे उधर साइन अप होंगे, अगर नहीं है तो वो आप सेलेक्ट कर लें उधर से एक्टिव कर दें तो आपको इधर फ़ॉन्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरह एक डॉग कलर भी है, डॉग कलर इनकी भी थी एक बार, अच्छा ये है, ठीक है, जैसे आप कलर्स देखना चाहें डिफरेंट, ये फ़ॉन्ट के लिए था, दोनों के लिए आपको लॉगिन होना पड़ना है डॉग के ऊपर। ये कलर्स आप देखें, इसमें इधर से आप सिलेक्ट करते हैं इसकी कैटेगरी, ठीक है, या आप इधर अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखें कलर्स आपके पास, ठीक है, ऐसे। लेकिन कलर में अभी हम इतना नहीं जा रहे, ये नीचे भी चेंज हो रहे हैं, आप इनसे ये कलर अपना जनरेट करना चाह रहे हैं कोड पिक कर लें, इसको कॉपी कर लें, सपोज करें यही वाला करना चाह रहे हैं पिंक कलर, इसका आप कोड कॉपी करें कंट्रोल सी से और अपने डॉग की तरफ जाएं, पहले तो इधर कोई रेक्टेंगल ले लें सिंपल से, इसमें वो करना चाह रहे हैं डबल क्लिक और यहाँ पर आप वो पेस्ट कर दें, ठीक है, वो कलर आप ऐसे पिक भी कर सकते हैं डॉग की साइड से, कोई सा भी आप नुकसान है, ठीक है, इनकी मिक्सिंग आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे आए मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, तो उसमें ये कलर है, ठीक है, ये कलर इनको मिक्स करना चाहें जैसे भी आप डिफरेंट कम्बिनेशन पा रहे हैं, ये ऊपर भी आपको आ रहे हैं, ठीक है, इनको सेव करना चाहें, एक सेव करें आप तो उधर भी आपके ये जो है इम्पोर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको लॉग इन करना पड़ेगा, कलर्स का फिलहाल हम नहीं कर, टेक्स्ट की तरफ ही रहते हैं क्योंकि टाइम कम है, कलर्स का डिटेल में बाद में देख लेंगे लॉगिन करके कि वो इधर कैसे आते हैं, फ़ॉन्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड करना है, एक तो वो मैंने आपको बताया कि अडोब से जाके आप इजीली कर सकते हैं, उधर से सिर्फ आप बटन से ऑन कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड करना है तो इधर आपके पास dafonts.com ये एक वेबसाइट है, काफ़ी वेबसाइट हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए उसका नेम लिखें इधर तो उसको फाइंड कर लें, ठीक है, क्या हुआ इसे, ठीक है, वैसे फ़ॉन्ट का नेम लिखते हैं कोई ऐसा भी, जैसे हेलवाटिका एक फ़ॉन्ट होता है उसका नाम लिखा। अच्छा, इसको डाउनलोड करना है और उधर कैसे लेके जाना है वो आपको बता देता हूँ, कोई सा भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं, ये आ गई, अच्छा ये भी फ्री नहीं है, ये इधर होता तो फ्री होना था, ठीक है, हेल्प ठीक है, से कोई और लिख लेते हैं सेंचुरी को, गूगल पे लिखते हैं, अगर इधर देखें फ्री पड़ा हुआ है
तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ये वेबसाइट है कुछ डेंजरस ही लग रही। चलें आपको दिखाने के लिए, ये लिखा भी हुआ फ्री डाउनलोड करें, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब क्या हो गया, ठीक है डाउनलोड करें, रिपोर्ट नहीं है। चलें ट्रैफिक लाइट, ठीक है ये डाउनलोड कर लें जहाँ पर भी आप करना चाहें। ये हो गया फॉन्ट, इसको एक बार जो है रन कर दें, ठीक है। ये नेम भी लिखा हुआ सेंचुरी गोथिक, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लें फॉन्ट को, तो ये आपका उधर आ जाएगा इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, छोटा सा होता है बिल्कुल, ठीक है। ये अभी देख भी लेते हैं उधर आया कि नहीं, ना आया तो फिर आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है। इधर सर्च कर लें, क्लियर आर पहले कर लें, इधर सेंचुरी नहीं आया, ठीक है। शायद सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ना है तो फिर आएंगे, ठीक है। ये आ गया सबसे ऊपर वाला, ये अभी आपने इंस्टॉल किया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। इस तरह कोई सा भी फ़ोन जो आपका क्लाइंट कस्टमर बताए कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, उन्हें बता देता है, आप किसी भी वेबसाइट से फ्री वाला डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और आपका इधर शो हो जाएगा। ये जैसे अभी हमने किया, ये वाला सेंचुरी गोथिक फोन जो है वो इधर आपके पास, सही है। ये फोन का है, बाकी चीज़ें अभी हमने इसकी नहीं देखी, फोन की कलर, उसका फोन कैसे चेंज करना है, ये चीज़ें देख ली हैं। उसमें क्या है कि आपने इसको पाथ के ऊपर राइट करना है, जैसे कोरल में करते रहे हैं, वो कैसे करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर चलें इसको इनको कर देते हैं, तो किसी भी पाथ के ऊपर आपने करना है, आप ड्रा कर लें वो पाथ, जैसे लिप्स ले लेते हैं, इसके ऊपर आपने करना चाह रहे हैं कॉपी अपना फॉन्ट, ठीक है। इधर आए आप फॉन्ट में ही, तो ये लिखा हुआ है टाइप ऑन अ पाथ, ठीक है। टाइप ऑन अ पाथ एक बार क्लिक करें, अच्छा ये कह रहा है कि पाथ आपको सेलेक्ट करना पड़ना, ठीक है। यही लिख लें क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ऐसे आपका फॉन्ट आ गया पाथ के ऊपर, ठीक है। इसको ये वाला अप्लाई करना है फॉन्ट का एक बार। अच्छा जो आई ड्रॉपर करते हैं फॉन्ट के लिए, आई ड्रॉपर फॉन्ट के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जिस फॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक किया उसका स्टाइल भी आ जाएगा। ये देखें ऊपर ये अप्लाई हुआ था, स्टाइल भी आ गया, कलर आ गया आई ड्रॉपर से, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं ऊपर वाले को, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऊपर से ऐसे, साइज इसका काफी बड़ा है तो छोटा कर लेते हैं। ये आपको दो जो नजर आ रहे हैं एरोस कह रहा हूँ, ये टू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, आप इनको पकड़ के ऐसे पीछे को ले आए, ये वाली को लेके, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएंगे, दूसरी साइड पे आ जाएगा। अगर पहले आप इसको कर दें ऐसे, और ये नीचे छोटी हो गई है, ठीक है। इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे को करें तो आपकी स्पेस ऐसे इधर को आ जाएगी। आप इस तरह जितना भी इनका गैप रखना चाहें ये, ठीक है। ये देखें आगे वाली भी मूव करिए, ये वाली, ठीक है। इसको इधर कर दें, और ये वाली जो लाइन है छोटी, इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने फोन को मूव करवाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। ये एडजस्टमेंट होती है इसकी, वो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ये आ गया ऊपर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, और इसी को आपने नीचे लेके आना रिवर्स, तो कॉपी पेस्ट कर लें कंट्रोल सी और एफ से, इसको ऐसे ही आप रोटेट कर सकते हैं, वो पाथ वही रहेगा आपका। रोटेट किया, अभी आपका ये फॉन्ट बिल्कुल रिवर्स से एक हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप में जाएं और इधर टाइप ऑन पाथ लिखा हुआ है, टाइप ऑन पाथ पे एक बार क्लिक करें, ये टाइप ऑन पाथ, इसके ऑप्शन में जाएं, रेनबो स्क्यू 3D रिबन ये सारे आ रहे हैं, नीचे आपको टाइप ऑन पाथ नज़र आ रहा है, इसको साइड पे कर लें। टाइप ऑन पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, फ्लिप का ऑप्शन क्लिक करें, ठीक है। प्रीव्यू कर लें एक बार, मतलब पहले देखना हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये फॉन्ट इसके, इसको मैं बंद करता हूँ, ये अंदर चला गया इसके एडजस्ट इधर ऐसे, ठीक है। तो इसको बाय लेके आना, ये ऊपर वाला देखें तो बाय है, इसको लेके आना बाय, तो फिर आप जाएं उधर ही टाइप, टाइप बना, ठीक है।
इसको करें बेसलाइन पे, प्रीव्यू पहले कर लें, बेसलाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये बिल्ड वाइज चला जाएगा, डिसेंडिंग में करें तो ये इसके इनर साइड, ठीक है, सेंटर करें तो सेंटर इसके बिल्कुल जो है वो सामने आ गया तकरीबन जो आपका ओवर वाला, ठीक है। इसी तरह आप इसको बेस लाइन के ऊपर करें तो फिर वो इनर हो गया, बाई डिफॉल्ट बेस लाइन ही होता है, इसको सेंटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग हम नहीं यूज़ कर रहे, इसको रहने दें, स्पेसिंग को ज़ीरो ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ओके करें तो ये आपका इस तरह से फाउंड बन गया पाथ। इसी तरह कोई सा भी पाथ दें, जैसे हमने पहले भी एक बैनर में देखा था, वो पाथ देना चाहें उधर भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको आप करें, कलर चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, इधर से कर लें, ठीक है, इधर से कर सकते हैं। इसका फॉन्ट चेंज करना चाहिए, बाकी सेटिंग सारी वही है, ठीक है। इसी तरह इधर कोई आप सपोज लोगो बना रहे हैं, इस तरह सर्कुलर लोगो जो होता है, इसको पहले तो सेंटर कर लें और दोनों को ग्रुप करके इनको भी सेंटर कर लें, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इनको भी सेंटर कर लें, ठीक है। इसको इसके ऊपर ले आना है बिल्कुल ऐसे, इधर से आप इसको एडजस्ट कर लें या इसको थोड़ा सा बाहर रखना है, आपने फोन चेंज करना है, कुछ भी करना है, इसका कलर चेंज करना है तो कर लें, ठीक है। ये येलो कलर हमने बहुत यूज किया, ठीक है, कुछ इस तरह से इधर से भी कर सकते हैं कोई मिक्सिंग, ये ठीक है। तो ये है फॉन्ट का टाइपिंग जो आपका टूल है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, दूसरे भी हैं, जैसे वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का सॉरी टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट के फॉन्ट्स, इनमें स्पेसिंग, कलर मिक्सिंग, वाइट से कोई कलर पिक करना है वो कैसे, पाथ के ऊपर, ऊपर वाले साइड पे और नीचे या किसी भी साइड पे आपने, और इनमें जो स्पेसिंग है वो वाली, या फॉन्ट बाइट से कोई डाउनलोड करना है तो इंस्टॉल करना है वो कैसे करना है, डॉब की साइड वो अभी कंप्लीट नहीं किया, वो बाद में देख लेंगे जब हमारा साइन इन होगा, लॉगिन होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको यहाँ तक फॉन्ट्स का, ये आपने पहले भी देखा हुआ इसलिए ये जल्दी से किया तो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर देना चाहिए, ये पहले भी हमने किया हुआ है, ठीक है।